हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ऋचा। आज के इस वीडियो में मैं आपको ईथर्स के बारे में बताऊंगी कि ईथर्स क्या होते हैं। ईथर्स बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें क्या होते हैं, टू एल्काइल और एलाइल ग्रुप्स होते हैं जो कि होते हैं ऑक्सीजन एटम से अटैच्ड होते हैं। उसको हम बेसिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर ओ आर डैश हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका जनरल फार्मूला क्या होता है, सी एन एच टू एन प्लस वन, जो बेसिकली हम आर के इसमें हम इसको अटैच करेंगे, और आर डैश में क्या है, सी एन एच टू एन प्लस वन, ये वाला हम इसमें आर ओ आर डैश ये हमारा बेसिकली होता है। तो इसमें एन की जगह हम 1 2 3 एज अ कुछ भी यहाँ पर पुट ऑन कर सकते हैं। दे में भी रिगार्डेड एज डाई एल्काइल डेरिवेटिव वाटर और अमोनिया एल्काइल डेरिवेटिव और एल्कोहल। तो इसमें क्या बेसिकली ये वाटर है और ये एल्कोहल है। एच ओ एच इज बेसिकली डिनोट्स फॉर वाटर। तो इसमें क्या है, माइनस टू एच प्लस टू आर, अगर हम इसमें आर ऐड करेंगे और एच को माइनस करेंगे तो इसमें ये हमारा ईथर बन जाएगा। ऐसे ही अगर ये एल्कोहल है आर ओ एच, तो इसमें से हम एच माइनस करेंगे और आर को ऐड करेंगे तो ये एल्कोहल ये ईथर बन जाएगा। इसको हम कैसे कंसिडर करते हैं, एनहाइड्राइड की तरह भी कंसिडर करते हैं एल्कोहल का, क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर हम वाटर मॉलिक्यूल को लिमिट करते हैं फ्रॉम टू एल्कोहल मॉलिक्यूल्स, इसमें क्या है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कोहल है जैसे आर ओ एच ए और एच ओ आर, तो इसमें हमने यहाँ से हमारा वाटर अलग हो जाएगा और आर ओ आर हमारा ये बन जाएगा, तो ये क्या है ईथर हो जाएगा। आफ्टर डेट क्या है इसका क्लासिफिकेशन है, तो ईथर में भी टू टाइप्स, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक ईथर। फर्स्ट क्या है, एलिफेटिक ईथर्स क्या होते हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। एलिफेटिक ईथर्स भी टू टाइप्स के होते हैं, जिसमें से फर्स्ट होता है सिमेट्रिकल और सिंपल ईथर्स, व्हेन टू सेम एल्काइल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द ऑक्सीजन एटम इन प्लेस ऑफ आर एंड आर डैश ईथर इज कॉल्ड सिमेट्रिकल और सिंपल ईथर, दैट इज आर ओ आर। सिमेट्रिकल और सिंपल ईथर्स होते हैं, इसमें क्या होता है हम सेम एल्काइल ग्रुप्स को अटैच करते हैं ऑक्सीजन एटम्स के इन प्लेस ऑफ आर आर और आर डैश के, तो उसमें क्या हमको ईथर सिमेट्रिकल फॉर्म में मिलता है और सिंपल ईथर। इसका बेसिकली ये एग्जांपल है C2H5 और C2H5, दैट इज़ डाई मिथाइल ईथर। इसमें क्या है, दो हमने इसमें डाई मिथाइल लगाया है और ईथर, तो ये हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर। देन सेकंड क्या है, अनसिमेट्रिकल और मिक्स्ड ईथर्स, जब क्या है हमारे टू डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स आर अटैच टू द ऑक्सीजन एटम द ईथर इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल और मिक्स्ड ईथर आर ओ आर डैश। इसमें क्या है, CH3 अगर हम इसमें अलग अलग लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर। टू टाइप्स की ईथर हैं ये, तो ये हो जाएगा हमारा अनसिमेट्रिकल और मिक्स्ड ईथर, इसको हम बोलेंगे। और अगर सेम टाइप का होगा तो उसमें बेसिकली एक ही हमारी प्रॉपर्टी आएगी, डेट इज़ यहाँ हम जैसे यूज़ कर रहे हैं डाइथाइल ईथर। देन सेकंड है एरोमेटिक ईथर्स क्या होते हैं, इफ वन और मोर बोथ द एल्काइल ग्रुप्स आर एराइल ए आर ग्रुप, तो ईथर को हम एरोमेटिक ईथर्स बोलते हैं। ईथर्स विद वन एल्काइल एंड वन एराइल ग्रुप्स आर कॉल्ड एराइल एल्काइल ईथर्स और फिनोलिक ईथर्स, अगर उसमें अलग अलग दोनों ग्रुप अटैच हैं तो उसको फिनोलिक ईथर्स बोलते हैं, और अगर वो दोनों ही एराइल ग्रुप्स हैं तो उसको डाईराइल ईथर्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, अगर यहाँ पर हमारा बेंजीन है C6H5OCH3, तो इसको हम बोलेंगे मिथाइल फिनाइल ईथर और फिनोलिक ईथर और एनिसोल बोलेंगे। और अगर दोनों में हमारा एराइल ग्रुप मीन्स दोनों में बेंजीन अटैच है तो उसको डाई फिनाइल ईथर और डाई एराइल ईथर बोलेंगे। उसके बाद क्या है इसका नॉर्मन क्लचर क्या होता है, फर्स्ट क्या है ट्राइबल और कॉमन सिस्टम। तो इस सिस्टम के हिसाब से जो हमारा वर्ड ईथर है उसको हम ऐड करेंगे, मतलब जो भी हम नेम अगर लिखेंगे IUPAC उसके लास्ट में उसको ऐड करेंगे, ऑफ टू एल्काइल और एराइल ग्रुप्स इसमें अटैच होंगे टू द ऑक्सीजन एटम। इन सिंपल ईथर द प्रीफिक्स टी इज एडेड टू द नेम ऑफ एराइल ग्रुप वाइल नेमिंग मिक्स्ड ईथर्स, इसमें के अल्फाबेट के हिसाब से हम लिखेंगे। जैसे फर्स्ट है सिंपल ईथर, तो ये हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर, इसमें बेसिकली दोनों मिथाइल एड है, तो डाई मतलब कितने हैं दो, मिथाइल एंड देन ईथर। उसके बाद अगर मिक्स्ड ईथर है तो जो पहले अल्फाबेट आएगा उसको हम पहले लिखेंगे, डेट इज इथाइल का, तो इथाइल और ये मिथाइल है देन ईथर। सो ये ट्राइबल और कॉमन सिस्टम के आगे का है, इसमें क्या है
इसमें मैंने एग्जांपल लिया है ये C2H5O C2H5। तो ये बेसिकली क्या है, इसका डाइएथाइल ईथर है। और अगर इसमें हम अलग अलग लेंगे जैसे C6H5 और C2H5, तो ये हो जाएगा इथाइल फिनाइल ईथर। ये क्या है, एरोमेटिक ईथर्स हैं जिनके स्पेसिफिक नेम्स हैं। उसके बाद हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है, यहाँ CH3 है देन C2H5, तो ये हमारा क्या एनिसोल है, तो इसको मिथाइल फिनाइल ईथर बोलेंगे। और C2H5 ये क्या है, फेनिटोल इथाइल फिनाइल ईथर। सेकेंड क्या है, IUPAC सिस्टम है। इसमें क्या है, सिस्टम में इसको हम ऐसे एज्यूम करेंगे जो ईथर्स हमारे इसमें फॉर्म होंगे वो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम से फॉर्म होंगे ऑफ अ हाइड्रोकार्बन बाय एल्कोक्सी ग्रुप ओ आर, जो कि क्या होते हैं एलिफेटिक ईथर्स होते हैं। वो क्या होते हैं, एल्कोक्सी डेरिवेटिव्स होते हैं एल्केन्स के, इसलिए हम उनको एल्कोक्सी एल्केन्स बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो लार्जर एल्काइल ग्रुप होता है पेरेंट चेन का, उसको हम लोअर एल्काइल ग्रुप को हम ऐसे उसमें लेते हैं, तो उसमें क्या है, इथ्रियल ऑक्सीजन हमारी फॉर्म होती है। और उसमें क्या होते हैं, एल्कोक्सी ग्रुप के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। इन हायर ईथर द कार्बन एटम्स ऑफ द एल्केन चेन आर नंबर्ड फ्रॉम दैट पोजिशन। तो इसमें हम क्या अलग अलग सूटेबल नंबर के हिसाब से इसमें लेंगे। तो इसका एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं मिथॉक्सी मीथेन। इसमें क्या है, दोनों साइड मीथेन है और इसका वो होता है ऑक्सी, तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन। इसमें हमने क्या लिया है, यहाँ मीथेन लिया, यहाँ इथेन लिया है, और यहाँ ऑक्सी इज बेसिकली सफिक्स ऑफ ईथर, सो दैट इज मिथॉक्सी ईथेन। उसके बाद यहाँ ये वाला है, तो इसमें क्या है, 2-ethoxybutane। ब्यूटेन इज टेकन फॉर 4 कार्बन एटम्स एंड 2-ethoxybutane यहाँ लिया। तो उसके बाद क्या है, IUPAC नेम ऑफ सम ईथर्स आर गिवन बिलो। ये फार्मूला हमने लिया, इसको हमने ऐसे नंबरिंग करी है 1, 2 एंड 3। उसके बाद क्या है, यहाँ पर 2-ethoxy, यहाँ पर ईथेन इस पर अटैच है और O, तो ये हो जाएगा 2-ethoxy 2-methyl, 2 पे मिथाइल अटैच है, और देन प्रोपेन, प्रोपेन डिनोट्स फॉर 3 पार्ट्स ऑफ कार्बन एटम। देन दिस फार्मूला डिनोट्स फॉर 2,3 डाइट मिथॉक्सी ब्यूटेन। 2,3 इसमें क्या है, हमारा O अटैच है और मिथॉक्सी मीथेन है, देन ब्यूटेन। ये फार्मूला है 1-ethoxy 3-methoxypropane, ये हमने यहाँ पर कंसिडर करा है। आफ्टर डेट क्या है, आइसोमेरिज्म, इसकी क्या होती है मेटामेरिज्म। ईथर्स का क्या होता है, जिसके सेम मॉलिकुलर फार्मूला होता है बट अलग अलग एल्काइल ग्रुप्स होता है, जिसमें क्या होती है ऑक्सीजन जो उसके मेटामर्स होते हैं, और उसके फेनोमेनन को हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। उसके बाद जो मेटामेरिज्म के एग्जांपल इसमें हमने लिया एन ईथर विद फार्मूला C4H10O, जो हमको क्या लेंगे, फॉलोइंग मेटामर्स देंगे। इथॉक्सी इथेन है, ये दो डबल साइड इथॉक्सी है, देन इथे इसमें। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 1-methoxypropane, प्रोपेन डिनोट्स फॉर 3 कार्बन है आइटम्स, एंड इसमें 1 पे हमारा इथॉक्सी इसके साथ क्या CH3 अटैच्ड है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से अगर हम नंबरिंग कर देंगे तो सेकेंड पे हमारा मिथाइल के साथ क्या है, ये वाला, ये यहाँ अटैच है, तो ये हो जाएगा 3-methoxypropane। आफ्टर डेट क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज में क्या होता है, इसमें क्या है, ईथर्स एग्जिबिट क्या करता है, फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज को ईथर का एग्जिबिट करता है विद मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो इसमें क्या C2H6O, इसमें क्या है डाई मिथाइल ईथर है यहाँ पर दोनों, और इथाइल एल्कोहल हमारा C2H5OH। उसके बाद क्या, अगर 2 फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स इसमें पॉसिबल होते हैं तो उसका मॉलिकुलर फार्मूला होता है C6H8O। तो यहाँ है क्या, इथाइल मिथाइल ईथर, यहाँ CH3O C2H5 और प्रोपाइल एल्कोहल वाला ही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का वीडियो यहीं पर यहीं तक था। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।